Namaste KarmYogis and welcome back to the channel. And today we are going to talk about what I've been trying to explain to you guys for a long time is Kaal Sarp Yog. Naam sunke kafi dar lagta hai, nahi? Kaal Sarp Yog. Kaal maine ki death, darkness, something unknown, fear, and Sarp is, we all know, is Sarp. To kafi logo ko ek khali ye term sunke dar lag jata hai ki Kaal Sarp Yog ya dosh hamari kundli mein hai. To काफ़ी लोगों का मानना है कि काल सर्प योग आपके कुंडली में तभी आता है अगर आप अपने पिछले जन्मों में सांप की हत्या की हो तो आपके काल सर्प योग आ जाता है लोगों का मानना है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं तो मेरा ये सवाल रहता है कि भाई सांप की हत्या करने से ही कोई दोष क्यों लगता है कोई और पशु पक्षी की हत्या करने से आपको वो दोष नहीं लगता अगर कोई इंसान की हत्या करने से ही और कोई दोष क्यों नहीं लगता एक सर्प की ही हत्या करने से दोष क्यों आता है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई काल सर्प योग मायने होता क्या है एग्जैक्टली कुंडली में किस प्रकार आपको समझ में आता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के काल सर्प योग है कि नहीं सो हमारी जो एक कुंडली रहती है उसमें अगर सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में अगर आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं मायने हमारे 9 ग्रह माने गए हैं कुंडली में अगर एक तरफ राहु है एक तरफ केतु है और सारे ग्रह अगर ये राहु और केतु की इस एक्सिस में हम कहते हैं एक ही तरफ आ जाते हैं तो इसे काल सर्प योग कहते हैं अब ये राहु किसी भी तरफ हो सकता है और केतु भी किसी भी राशि में हो सकता है बस सारे ग्रहों के इनके बीच में आने का ही जो पैरामीटर है उसे माना गया है काल सर्प योग तो ये एक सवाल उठता है कि भाई ये काल सर्प योग आया कहाँ से तो ये जानने के लिए अगर हम हमारे शास्त्र में जाते हैं वैदिक शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी शास्त्र हैं चाहे वो पाराशार के हो के हो या जो भी हमारे प्राचीन शास्त्र हैं उसको अगर आप खोज करते हो तो आपको पता चलता है कि काल सर्प योग का मेंशन कहीं भी नहीं मैं सही कह रहा हूँ हमारे कहीं भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में जो कि इट्स वास्ट मतलब अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी दे दे तो शायद एस्ट्रोलॉजी के सारे टेक्स्ट और श्लोकास को नहीं समझ पाएगा उनमें कहीं भी काल सर्प योग का वर्णन भी नहीं है मेंशन भी नहीं है तो फिर ये काल सर्प योग आया कहाँ से और उसकी फिर फैक्चुअल एबिलिटी क्या है हमारे कुंडली में व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ इट काल सर्प योग 1970-80 के बीच में एक एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में मेंशन किया था और उन्होंने कहा कि भाई जिसके भी कुंडली में काल सर्प योग होता है उसे कुछ तरह की स्ट्रगल डिले प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज चाइल्ड बर्थ करियर आपकी जिंदगी में आ जाती है इसलिए 12 प्रकार के काल सर्प योगों का वर्णन उन्होंने किया कि 12 राशि में राहु केतु है 12 प्रकार के और उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं अर्थ सर्प काल सर्प योग बहुत तरह के काल सर्प योग करके 108 तक मिनिमम काल सर्प योग बन सकते हैं सो उनका कहना था कि भाई काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो इस तरह के मेजर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं तो अगर हम लोग अगर इसकी फैक्चुअल एविडेंस देखने जाएं तो हमें कहीं भी शास्त्र में नहीं मिला तो इसकी फिर रेमेडी कहाँ से मिलेगी क्योंकि हमारे शास्त्र में तो कहीं रेमेडी है ही नहीं इसकी तो वेरी फ्रेंकली इसकी कोई रेमेडी है ही नहीं अब ये पहले देखें कि भाई काल सर्प लोगों को क्या प्रॉब्लम है सचमुच डालता है क्या वो प्रॉब्लम सचमुच आते हैं आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ क्रिकेट का फेस कौन है हमारे देश में दैट इज सचिन तेंदुलकर ही हैज काल सर्प योग हमारे देश में एक नाइटिंगेल ऑफ सिंगर्स में किसे माना गया है दैट इज लता मंगेशकर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी आप किसी भी एक इंसान को आप पिकअप करिए जो अपने फील्ड का मास्टर था ही इज हैविंग काल सर्प योग यहाँ तक अकबर जो थे मुगल एम्परर द बिगेस्ट एम्परर जिन्होंने इंडिया को पूरा अपने अंडर कर लिया था उनके भी काल सर्प योग तो आप जब देखोगे कुंडलियों में तो काल सर्प योग तो सबसे सक्सेसफुल लोगों के हैं अब्राहम लिंकन जवाहरलाल नेहरू आई कैन काउंट एंड काउंट द पीपल हु हैव रियली मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स इन द कंट्री एक्चुअली आर पीपल हु हैव सो कॉल्ड काल सर्प दोष इन देयर कुंडली तो फिर ये काल सर्प लोग कहाँ से आपको प्रॉब्लम दे कहाँ से आपकी लाइफ को खत्म कर दे रहे हैं कहाँ से ऐसी जिंदगी दे रहे हैं जहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते देखिए क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत इजी रहता है टू पिन पॉइंट समथिंग एंड से ओके यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर दोषा अब आप कोई मेरे पास आते हो और बोलते हो भाई आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद चाइल्ड बर्थ अब मैं ये नहीं देख रहा कि भाई किस कारण से रुक रहा है क्या और उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं व्हाट कैन बी लुक फॉर टू गिव अ रेमेडी फॉर मी इट इज बिकमिंग वेरी इजी जस्ट टू से ये काल सर्प दोष है इसके कारण ही आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ये देखा जाए तो किसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इवन द रिचेस्ट मैन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग और द अदर बुद्धा सेड सफरिंग इज द बेस्ट फ्रेंड
who on this planet is not going through suffering? Somebody has some problems with the family, some people have problems with their children, education, career. Har zindagi mein, har kisi ke zindagi mein, aapko kuch na kuch problems to dikhai denge. Aur wo bahut easy ho jata hai claim karna ki ye Kaal Sarp yog ke karan hi aa raha hai aapke. इसीलिए ये जानना सर जरूरी है कि आज बहुत लोग बहुत तरह की इसके पीछे रेमेडीज कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, एक दुकान बन गई, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गया है. कोई कहता है आप पर्टिकुलर मंदिर में जाके पूजा करके आइए तो आपका काल सर्प योग निवारण होता है. कोई कहता है आप नाग नागिन चांदी के लीजिए, शिवलिंग की उसकी पूजा करिए, 4 घंटे का मंत्र जाप करिए, तब आपका काल सर्प योग हट जाता है. तो ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक मार्केटिंग टूल बन गई है जहाँ पर वो काल सर्प योग का आपको एक रेमेडी देते हैं. वेयर इन when there is nothing called Kaal Sarp Yog, where it is not mentioned, how can there be a remedy for it? हाँ, आप ये कहते हो कि Kaal Sarp Yog में राहु और केतु के बीच में कुछ planets है, conjunction है, कोई aspect है राहु केतु की, उसके कारण कुछ problems आ रहे हैं, मानता हूँ. अगर आप समझो स्वर्ण भानु जो एक राक्षस रहता असुरा थे, सूर्य और चंद्रमा के कारण वो पकड़े गए थे और उनका फिर गला काट दिया गया था जो राहु और केतु बने. तो आप ये कहते हो कि भाई कंजंक्शन ऑफ राहु विद सूर्य और केतु चंद्रमा कॉज सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, एक्सेप्टेबल. उसके कारण आपके कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक्सेप्टेबल. उसके एस्पेक्ट अगर सूर्य पे पड़ रहे हैं या बृहस्पति पे पड़ रहे हैं या कुछ अदर प्लैनेट्स पे पड़ रहे हैं, एक्सेप्टेबल. बट ये मानना कि वो काल सर्प योग के कारण ही सारी प्रॉब्लम आ रही है, इट इज रबिश. इट इज क्रिएटिंग अ फियर साइकोसिस इन अ पर्सनस माइंड. वो इंसान वही आत्मबल से टूट जाता है, उसे लगता है अब मेरे जिंदगी में काल सर्प दोष है तो मैं तो जिंदगी में कुछ करने वाला ही नहीं. तो आधी हार तो उस इंसान की टर्म सुन गई हो जाती है और आधी हार वो जिंदगी भर ये रेमेडीज करके काटते हैं. बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल जो हर 2-3 साल में इसके रेमेडीज करते रहते हैं, थिंकिंग दैट अब शरीर मेरा काल सर्प हट जाएगा और अब शायद प्रॉब्लम हट जाएगी. प्रॉब्लम हटेगी कैसे? काल सर्प योग के कारण तो प्रॉब्लम आई ही नहीं. सो आप लॉक ही अलग खोलना चाह रहे हो तो सोल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं आपको. सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काल सर्प योग हमारे शास्त्र के अनुसार कोई भी दोष नहीं है, इसका कोई अस्तित्व आइडेंटिटी नहीं है, इसकी कोई पर्टिकुलर रेमेडी नहीं है. अगर आप राहु और केतु के कारण कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और समझो ये एक एक्सिस में होने के कारण समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट अ ब्लाइंड चार्ट कि भाई अ पर्टिकुलर साइड ऑफ द चार्ट इज हाईली एक्टिवेटेड एंड अनदर साइड इज नॉट वेरी एक्टिवेटेड. सो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ डिसबैलेंस इन द लाइफ. ये आप कह सकते हो, तो एक बैलेंस गड़बड़ा देता है. इट्स नॉट द प्लैनेट्स आर नॉट स्प्रेडिंग ऑल ओवर द चार्ट. तो बेस्ट रेमेडी फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग रिलेटेड टू ऑल दिस इज गोइंग एंड डूइंग पूजा ऑफ लॉर्ड शिवा. अगर हम ये मान भी ले काल सर्प योग है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मेनी रेमेडीज, सो मेनी थिंग्स, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गो एंड पुट लिटिल जल, दिस मच, नॉट 10 liters, एंड और जस्ट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड जस्ट चांट ओम नमः शिवाय एंड रिक्वेस्ट एंड इनवोक हिम टू डिस्ट्रॉय ऑल द नेगेटिव दोषास इन योर कुंडली, बिकॉज लॉर्ड शिवा इज द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट. सो बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो, जाओ मंदिर में बैठो 10 मिनट और लॉर्ड शिवा का नाम लो और काल सर्प योग से सो कॉल्ड आप निवारण पाओ. बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स, शिवा इज द वन हु हैज द स्नेक इन हिज यू नो अराउंड द नेक, ही इज द वन हु इज द एम्पावर्ड वन विद द स्नेक. और ये सब चीज़ों को बाहर निकालो कि सांप को आपने मारा था इसलिए आपके साथ हुआ. अपने कर्मों को सही रखो, अपनी सॉल्यूशंस को राइट तरीके से देखो और ट्रस्ट मी, लाइफ विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. दुख मेरी जिंदगी का पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे जिंदगी में बढ़ो और एक सॉल्यूशन पाओ. थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो थोरली एंड गॉट एन इनसाइट व्हिच प्रोबब्ली आई रियली वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू.